सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। स्मैकडाउन से हमें मुस्तफ़ा अली का आज के मंडे नाइट रॉ में रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो आज की स्टूडियो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सेलिब वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, आज के मंडे नाइट रॉ में अभी से कुछ मिनट पहले ही मिस टीवी का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे स्पेशल गेस्ट और कोई नहीं बल्कि हमारे करेंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डैमियन प्रिस्ट नहीं बल्कि गाइज आप कह सकते हो कि हमारे समझ जाओ थ्यूरी रहते हैं, जिनको हम लोग ऑस्टिन थ्यूरी के नाम से नहीं बल्कि थ्यूरी के नाम से जानते हैं। तो मिस का हमें मिस टीवी का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे स्पेशल गेस्ट हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थ्यूरी रहते हैं और उन दोनों का हमें कन्वर्सेशन देखने को मिलता है। और गाइज, आज के मंडे नाइट रॉ में उनको कन्फ्रंट और कोई नहीं यानी कि मुस्तफ़ा अली को कन्फ्रंट और कोई नहीं बल्कि ऑस्टिन थ्यूरी कर चुके हैं, यानी कि ऑस्टिन थ्यूरी को मुस्तफ़ा अली कन्फ्रंट कर चुके हैं। और रमजान के मंथ में हमें अली का रिटर्न देखने को मिल चुका है मंडे नाइट रॉ में। और गाइज, जब मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुस्तफ़ा अली का भी रिटर्न हो रहा है। तो आज की मंडे नाइट रॉ में हमें मुस्तफ़ा अली का काफ़ी सरप्राइज तरीके से रिटर्न देखने को मिल चुका है, जो कि काफ़ी देखने में आप कह सकते हो कि सरप्राइज है, क्योंकि एक स्मैकडाउन के सुपरस्टार का मंडे नाइट रॉ में कैसे रिटर्न हो सकता है। लेकिन गाइज, आज की मंडे नाइट रॉ में हमें मुस्तफ़ा अली का रिटर्न देखने को मिल चुका है। और मुस्तफ़ा अलिया के अभी आप कह सकते हो कि हो सकता है कन्फर्म करें, क्योंकि मैं तो अभी कहीं और पर भी बैठ के ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज पहली बार हुआ है कि मैं लाइव देख के नहीं रिकॉर्ड करूं, जैसे उनका एंट्रेंस होता है तो एंट्रेंस हो रहा है। और आज के मंडे नाइट रॉ में हमें मुस्तफ़ा अली का ऑफिशियल तौर पे मंडे नाइट रॉ में रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो कुछ यही सीन क्रिएट अभी के लिए हुआ है, बाकी जाओ कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए तो फ्री ही है, आप मुझे जाके बता सकते हो कि इसके बारे में आपको क्या कहना है। लेकिन गाइज, अभी के लिए काफ़ी लंबे समय के बाद मुस्तफ़ा अली का टेलीविज़न पर रिटर्न हो चुका है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। फाइनली बाय बाय फ्रेंड्स।